हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये दो चोटी वाला हेयर बैंड बनाना बता रही हूँ। इसे आप छोटी बच्चियों के लिए बना सकते हैं। इसमें चोटी आप किसी दूसरे कलर की भी बना सकते हैं, जैसा कलर भी आप चाहें वैसा आप बना सकते हैं चोटी का। और देखिए यहाँ पर ये मैंने जो डिज़ाइन बनाया है ये मैंने वीडियो में बताया है, लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा डिज़ाइन बनाना चाहती हैं यहाँ पर तो आप वो भी बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है। हेयर बैंड बनाने के लिए ये मैंने 10 फंदे सिलाई पर लिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा और चौड़ा बनाना है तो आप 13 या 14 फंदे भी ले सकते हैं। जितना चौड़ा आपको हेयर बैंड बनाना है उसके हिसाब से आप फंदे ले लीजिए। और देखिए इस तरह से मैंने इसको बुन लिया है, इस साइड से देखिए और दूसरी साइड से देखिए, ये दोनों साइड से एक जैसा ही है। अगर आप ऐसा ही बुनना चाहते हैं तो देखिए इसको कैसे बनाना है। ये हमारा फ्रंट साइड है, देखिए ये हमने अभी दो सिलाई उल्टी बुनी है। अब हम इस तरह से बुनेंगे कि यहाँ पर हमें दो सिलाई सीधी बनानी है। तो देखिए पहला फंदा उतारा, अब ये सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। अब इधर से देखिए पहला फंदा उतारा, ये सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए अब यहां पर हमारी दो सिलाई सीधी हो गई। अब हमें यहां दो सिलाई उल्टी बुननी है, तो देखिए ये सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। पहला फंदा उतारा और ये फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए दूसरी साइड से, यहां पर हमें दो सिलाई सीधी बुननी है। पहले हमने यहां दो सिलाई उल्टी बुनी, अब हम यहां दो सिलाई सीधी बुनेंगे। तो इधर से हम ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। ये हमारी दो सिलाई सीधी हो गई। अब हमें इस तरह से बुनना है, इधर पर देख लीजिए, अब हमें इस तरह से बुनना है कि यहां पर हमें दो सिलाई सीधी बुननी है। तो ये सिलाई हम सीधी बुनेंगे और उसके बाद वाली सिलाई उल्टी बुनेंगे। जैसे अभी हमने ये चार सिलाई बुनी है ऐसे ही चार सिलाई हमें ये आगे रिपीट करते जाना है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो चार सिलाइयाँ हमने अभी बुनी हैं इन्हीं चारों सिलाइयों को हमें आगे रिपीट करते जाना है। या आप इस तरह से समझ लीजिए कि दो दो सिलाई आनी चाहिए, दो सिलाई उल्टी दो सिलाई सीधी, दो सिलाई उल्टी दो सिलाई सीधी, इस तरह से आपको इसको बनाना है। और देखिए इसको कितना लंबा बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिर से नाप लेना है, मान लीजिए ये हेड है तो आप इस पर इस तरह से लपेट कर इसको नाप लीजिए कि आपको कितना बड़ा बनाना है। उसके बाद जब आपका ये साइज पूरा हो जाए, आपकी ये लंबाई पूरी हो जाए, तो आप ये फंदे बंद कर लीजिए। देखिए फंदे कैसे बंद करने हैं, पहले दो फंदे उल्टे बुने, इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दिया, फिर एक फंदा उल्टा बुना, इसको इसके ऊपर से गिरा दिया, फिर एक फंदा उल्टा बुना, इसको इसके ऊपर से गिरा दिया। ऐसे ही हमें ये सारे फंदे बंद कर लेने हैं।
अब देखिए इसको हमें यहाँ पर सुई से सिल लेना है। देखिए इस तरह से पकड़ना है और यहाँ हम इसको सुई से सिल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने सिल लिया है, इस तरह से सिलाई कर ली। अब इसमें हम चोटी बनाएंगे। देखिए जो सिला हुआ है इसको हम पीछे की साइड रखेंगे, तो इसको हमने ऐसे रख दिया। जिस कलर की भी आपको चोटी बनानी है उसके आप जितनी लंबी चोटी बनानी है उसके हिसाब से उतने लंबे लंबे आप टुकड़े काट लीजिए। ये मैंने 24 इंच लंबा काटा है। ये दो वूल हैं, ये देखिए डबल। ये एक जो पीस है हमारा ये 24 इंच लंबा है, 24 इंच लंबा। इस तरह से मैंने ये काट लिए हैं। अब देखिए दो टुकड़े लेने हैं वूल के और इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए यहां से क्रोशिया डालेंगे और इसको ऐसे ले आई नीचे से ऊपर को। अब इसको हमें इस तरह से निकाल देना है इसके बीच में से और इसको खींच लेंगे। ये फिर से ये दो टुकड़े लिए, इनको ऐसे किया बराबर से, ये हमारा मिडिल पॉइंट आया। अब यहां से इसके बिल्कुल पास से ही क्रोशिए को नीचे डालेंगे और इसको ऊपर खींच लेंगे। अब इसको यहाँ से निकाल लेंगे और इसको खींच लेना है। फिर से ये वूल के दो टुकड़े लेकर ऐसे करना है। ये हमारा मिडिल पॉइंट आया। अब देखिए यहाँ से हम क्रोशिए को नीचे डालेंगे और इसको ऊपर ले आएंगे ऐसे। अब इसको यहाँ से इसके बीच में से निकालकर खींच लेना है। फिर से दो टुकड़े लिए, ये हमारा मिडिल पॉइंट आया। क्रोशिए को यहाँ से नीचे डाला, इसको ऊपर लाए और इसको ऐसे खींच दिया। अब देखिए ये इस तरह से बन गया। अब हमें इसकी चोटी बनानी है। इसको ऐसे रखेंगे, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब इसकी चोटी बनाएंगे।
जैसे हम चोटी बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हमें चोटी बना लेनी है। यहाँ पर आप चाहें तो रबर बैंड लगा सकती हैं या रिबन लगा सकती हैं, या फिर देखिए इसी में से हम एक वूल ले लेंगे और इसको यहाँ पर बांध देंगे। ये हमारी एक चोटी बन गई। यहाँ पर आप इसको कैंची से काट कर इक्वल कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने इस साइड ये एक चोटी बनाई है, वैसे ही दूसरी चोटी हम इधर की तरफ बना लेंगे। देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट है जहाँ हमने सिलाई की है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और अब देखिए यहां से लेकर के और इसको ऐसे पकड़ा। अब देखिए यहां से चोटी बनाना हम ये शुरू करेंगे और यहां तक हमें इसके बाल बनाने हैं इस तरह से, फिर आगे हम चोटी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दो चोटी वाला हेयर बैंड बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियोज़ तुरंत आप देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स for watching my channel.